हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स जो आपको मदद करेंगी आपका जो प्रीलिम है गुजरात हाई कोर्ट का, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री इंग्लिश स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट है उसका जो प्रीलिम है 100 मार्क्स का उसके लिए। अब ये प्रीलिम अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफी स्किल कितना भी अच्छा हो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग वरीड हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या करें, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। आपने बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी इस वीडियो के थ्रू एड्रेस करूं। एक क्वेश्चन आया है सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा पूछा गया कि क्या गुजरात के बाहर के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपके स्टेट में अगर आप OBC, SC, ST, EWS का कोई भी बेनिफिट आपको वहाँ मिलता है, वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको एज अ अनरिजर्व्ड या जनरल कैंडिडेट ही अप्लाई करना होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब इसमें गुजराती का भी पोर्शन है तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए, हमें गुजराती नहीं आती। तो फॉर्म भरना नहीं भरना वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको एक लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसका ब्रेकअप अगर बताऊं, यानी जो गुजरात हाई कोर्ट का PS का एग्ज़ाम लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ, उसमें जो पेपर था प्रीलिम्स का, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है और उसके रिलेटेड मैं बात आगे इस वीडियो में भी करने वाला हूँ, उसमें 100 में से 21, जी हाँ कल मैंने काउंट किया, 21 मार्क्स के गुजराती के क्वेश्चंस थे। तो यस, गुजराती को अच्छा खासा वेटेज दिया है इन्होंने। आई एम नॉट सेइंग कि ये इतना वेटेज इस बार भी रिपीट होगा क्योंकि उन्होंने कोई ब्रेकअप नहीं दिया है, लेकिन हाँ, सिलेबस जो लास्ट टाइम था वही इस बार भी है। GK करंट अफेयर्स आ गया उसमें, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस। ये मोटे मोटे तरीके से उन्होंने सिलेबस बताया है, लेकिन इसका ब्रेकअप नहीं बताया है। इसका ब्रेकअप जो लास्ट टाइम का था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हाँ, वो आपका खुद का डिसीजन है, खुद का चॉइस है क्या आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। सो दैट आई विल लीव अप टू यू। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको वो डिसीजन लेने में मदद करेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब 100 मार्क्स का ये जो प्रीलिम्स का पेपर है। अच्छा, एक और बात, पे स्केल की बात है। पे स्केल की बात मैंने लास्ट टाइम नहीं की। ग्रेड टू वो क्लास टू की पोस्ट है, उसका बेसिक पे है 44,900 एज पर 7th पे कमीशन प्लस अलाउंसेस। यानी अलाउंसेस के साथ मिलाकर मैं आपको अगर बताऊं तो आपका ग्रॉस सैलरी, अगर आपको अहमदाबाद या गांधीनगर, मतलब जो एक्स लेवल सिटी काउंट किया जाता है, उसमें आपका ग्रॉस अराउंड हो जाएगा 81,000। और जो ग्रेड थ्री है 39,900 बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, उसका अहमदाबाद या गांधीनगर में हो जाएगा 75,000 ग्रॉस, 74,000 to 75,000। बाकी जो वाई एंड जेड कैटेगरी सिटीज होती है उसमें बेसिक और DA तो सेम रहता है, लेकिन आपका HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि मिनिमम आपका ग्रॉस सैलरी ग्रेड थ्री के लिए 65 के अराउंड होगा, कोई भी जगह पे आपको रख दें। और ग्रेड टू के लिए, क्लास टू के लिए आपका ऑलमोस्ट 70,000 ग्रॉस मिनिमम होगा, और इसमें से NPS और प्रोफेशनल टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह डिडक्ट होके भी 6-7,000 डिडक्ट होंगे, तो आपका एटलीस्ट 60,000 के आसपास तो नेट सैलरी हो ही जाए। सो या इट्स अ वेरी गुड सैलरी और आपका NPS भी अच्छा खासा डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 75 मिनट्स आपको दिए गए हैं। 75 मिनट्स यानी 1 hour and 15 minutes टाइम इनफ है। इतना ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और GK के न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कोई इतने हाई फाई नहीं है लास्ट टाइम की, अगर मैं बात करूँ कि आपको ज़्यादा टाइम जाएगा, और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है उसमें से। तो आई थिंक उसमें आपको टाइम लिमिट तो 75 मिनट्स इज इनफ। एक दिक्कत ये आती है कि 0.33 मार्क्स का नेगेटिव है, और वो कंसिडर करते हुए भी आपको 50 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो एक रिस्क रहता है कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस ये दूंगा, आप लिख भी सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं मेंशन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो क्वेश्चंस आप टिक कर दीजिए जिसके आंसर्स आपको 100% पता है। टिक करना है मतलब इसमें तो CBT है, आपका कंप्यूटर में ही आपको अपने आंसर्स टिक करने हैं।
जो क्वेश्चंस आते हैं, सपोज आप श्योर हैं कि 60-65 क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उससे ज़्यादा फिर और टिक ही मत कीजिए। अगर 60 में आपको श्योरिटी है तो चलिए 55 तो सही हो जाएंगे। 55 सही हो गए तो आपका 50 से ऊपर आ ही जाएगा, 5 गलत भी हुए तो भी उसका पॉइंट 33 के हिसाब से आपके 53 के ऊपर मार्क्स रहेंगे। सो इन दैट केस आप सेफ है, 50 के ऊपर आप गारंटीड हैं, फिर तो आप ज़्यादा टिक करने मत जाइए। अब लेकिन आपको डाउट है, सपोज आपके 50 के अराउंड आपको श्योरिटी है कि हाँ 50 सही हो रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी उसमें से भी 3-4-5 गलत हो सकते हैं, तो फिर आपको आई वुड एडवाइस के ज़्यादा टिक कर दीजिए, जिसमें आपको लगता है यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपको ऑलमोस्ट पता है 70-75% आपको लगता है कि हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए, तो इस तरीके से आप उस हिसाब से टिक कर सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी। अब बात करें सिलेबस की, तो जैसे मैंने कहा जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो लास्ट टाइम का जो पीएस का पेपर हुआ वो तो काफ़ी इन्होंने आई वुड से इजी टू मॉडरेट लेवल रखा था, हाई कोर्ट का जो पीएस का रिक्रूटमेंट हुआ, क्योंकि इससे पहले ये दिक्कत आ रही थी बहुत सालों से कि वो प्रीलिम ही इतना डिफिकल्ट कर देते थे कि बहुत कम लोग उसको क्लियर कर पाते थे, और उसकी वजह से उनको अच्छे स्टेनोग्राफर्स भी नहीं मिलते थे, स्किल टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट कर देते थे, इसकी वजह से ना स्किल टेस्ट लोग क्लियर कर पाते, पहली बात तो प्रीलिम्स करने वाले बहुत कम, और उसके बाद स्किल टेस्ट इतना डिफिकल्ट कि स्किल टेस्ट में से भी कोई नहीं निकलता था। लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम अगर इतना डिफिकल्ट पेपर सेट करेंगे तो हमें स्टेनोग्राफर्स नहीं मिलेंगे, तो प्राइवेट सेक्रेटरी जो प्योरली हाई कोर्ट का था उसको भी उन्होंने काफ़ी मॉडरेट इजी कर दिया। तो आई एम होपिंग कि ये तो सब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक और ज़्यादा ही लेवल अगर कम नहीं भी होता है तो भी इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, बट देन इट्स द हाई कोर्ट, यू कैन नेवर से। अब इसका जो मैंने ब्रेकडाउन किया है, इंग्लिश इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चंस इंग्लिश इंग्लिश के हैं जो 2023 का प्रीलिम है उसमें। उसके बाद गुजराती, जी हाँ गुजराती के जैसे मैंने कहा 21 क्वेश्चंस हैं, जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 16, सिर्फ 16 है 100 में से। बहुत सारे लोग जीके को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, वरीड हो जाते हैं जीके नहीं आता जीके नहीं आता, और ये 16 इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जिसमें भी काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ 10 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 8 क्वेश्चंस, तो 8 इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस। आई रिपीट अगेन, इंग्लिश के 45 थे, गुजराती के 21, जीके एंड करंट अफेयर्स 16, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 10 एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस 8, इस तरीके से आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स। ये है लास्ट टाइम का, लेकिन अगेन आई एम सेइंग आई कैन नॉट गारंटी यही फॉलो होगा मेथड, लेकिन मोटे रूप से आप मान के चलिए तो इस तरीके से ही कुछ होना चाहिए प्रेफरेंस इनका, इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इंग्लिश में भी मैंने थोड़ा ब्रेक डाउन किया, तो सिनोनिम्स 9, 9, एंटोनिम्स 8, एक्टिव पैसिव वॉइस 5, और बाकी जो 23 है वो ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस है, जिसमें आपका टेंस हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, बेसिक अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी हाई लेवल, इट इज़ अ वेरी मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच है। इंग्लिश के लिए क्या आपको स्पेशल बुक लेनी चाहिए कोई? आई वुड एडवाइस के अगर आपके पास कोई भी बेसिक इंग्लिश की बुक है अभी, जैसे नीतू सिंह मैम की बुक है, फिर आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी कोई बुक है, कोई भी बेसिक इंग्लिश की बुक है आपके पास अच्छी, तो उसके अलावा आपको ज़्यादा दूसरी कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इस तरह का सब ये कुछ भी लास्ट टाइम नहीं पूछा गया। मेजॉरिटी जो मैंने कहा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव और प्रिपोजिशन, टेंस, बेसिक आपका जो नॉलेज है ग्रामर का वो अगर आपका अच्छा है तो आप ये सेक्शन में 45 थे मिनिमम, मैं तो समझता हूँ 30-35 ला ही सकते हैं।
आपने वो पेपर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट पेपर, आपकी बहुत सारी जो एंजाइटी है वो वहां पे ही कम हो जाएगी। गुजराती की बात करें, 21 मार्क्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? शब्द समूह माटे एक शब्द, मतलब इसमें इंग्लिश में अगर आप कहें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीन चार एक पूरा दिया होगा और उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। विरोधी मतलब एंटोनिम्स चार पूछे गए, समानार्थी मतलब सिनोनिम्स चार पूछे गए, रूढ़ी प्रयोग माटे सॉरी रूढ़ी प्रयोग यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो इंग्लिश में बोलते हैं, छः। और एक शिष्ट रूप, शिष्ट रूप इज बेसिकली के एक वर्ड होगा उसको डिफिकल्ट मतलब तड़पता बोलते हैं, विच इज अ डिफिकल्ट टू स्पीक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसका जो सिंपल वर्ड है वो आपको बताना है ऑप्शंस में से। वैसे तीन क्वेश्चंस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चार, गुजराती की बात है, एंटोनिम्स चार, सिनोनिम चार, इडियम्स छः और शिष्ट रूप यानी सिंपल वर्ड उसका मीनिंग बताना वो तीन। तो इस तरीके से गुजराती, अगेन इट इज नॉट वेरी हाई लेवल, मॉडरेट। अगर आप यहाँ के हैं गुजरात के हैं तो थोड़ा बहुत आप ये अपना ब्रशअप कर लेंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाहर के स्टेट्स के जो लोग हैं उनको मैं आई वुड से 21 मार्क्स है तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, अगर इस बार भी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए और वो आप सब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका चांस क्वालिफाई होने का कम हो जाए, आपका ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा आपका इंग्लिश पे, जीके पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो आई वुड नॉट से कि आप इसको पूरा ही इग्नोर कर दीजिए, हो सके तो कोई ना कोई आप यूट्यूब चैनल है गुजराती के बहुत सारे, वैसे मैंने देखे, एक दो मैं लिंक्स भी दे दूंगा, उस पे से आप बेसिक गुजराती थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए और फिर व्याकरण पे जाइए। बट आई वुड से डोंट गिव इट मोर देन 1 आवर अ डे, जितना हो सकता है। अगर आप 20 में से 7-8 मार्क भी लेके आ जाते हैं सिंपल जो क्वेश्चंस है उसमें तो ये आपके लिए एडवांटेज है। बट कीप योर अटेंशन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके, कंप्यूटर, ये आपका आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा। जो गुजरात के नहीं है उनकी बात है, फॉर दोज ऑफ गुजरात ऑफकोर्स तुम्हारे प्रैक्टिस करी ने, गुजराती में शब्द समूह विरोधी समानार्थी इतना डिफिकल्ट नहीं, तमे जो गुजराती मीडियम में थी असो तो आई एम श्योर तुमने वधारे बेनिफिट मिलशे एनो। सो यस, गुजराती की ये बात हो गई। जीके 16 मार्क्स का है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। गुजराती के लिए क्या आपको बुक लेनी चाहिए? बहुत सारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल है फॉर गुजराती ग्रामर, उसमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली अगर आपके पास 10th 12th स्टैंडर्ड की बुक है गुजराती की तो वो भी इनफ है फॉर द गुजरात स्टेट रेसिडेंट्स, या फिर आप यूट्यूब इज़ अ वास्ट फील्ड, यूट्यूब पे आपको गुजराती का बहुत सारा मटेरियल वीडियोस मिल जाएंगे, तो स्पेशली कोई बुक नहीं खरीदते हैं तो भी इट्स इनफ। बट आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गिव एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे टू गुजराती, बाहर के हैं वो भी, यहाँ के हैं वो भी, क्योंकि 20-21 मार्क्स, अगर इस बार 15 मार्क का भी आता है तो ये एक स्कोरिंग यू नो टॉपिक है और इतना डिफिकल्ट नहीं है। जीके 16 अगेन दैट जीके इज करंट अफेयर्स का भी काफ़ी सारा है और यू नो सम स्टैटिक जीके जैसे बोलते हैं वो भी है। कैसे क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है पूछा है कि विच मेल टेनिस प्लेयर हैज वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स, तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते हैं। फिर एशिया कप का एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया ने कौन सी टीम को हरा के एशिया कप जीता लास्ट वाला, तो वो सारा बेसिक स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से, तो वो सब आपको देख लेना है। अगेन जीके 16 मार्क्स लास्ट टाइम, हो सकता है इस बार 20 तक भी चला जाए। सो यस, यू हैव टू गिव टाइम टू जीके। जीके के लिए भी अगेन डोंट, हमारी आदत क्या होती है पता है, हमारे पास 10 बुक्स होती है और फिर हम एक और बुक खरीद लेते हैं, एक और बुक खरीद लेते हैं। बुक ज़्यादा मत खरीदिए, मेरा खुद का ही वार्डरोब भरा पड़ा है बुक से, मैंने भी ऐसा ही किया है। बट डोंट बाई न्यू बुक्स, डोंट परचेज न्यू बुक्स। करंट अफेयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स का एक आध चैनल जो लेटेस्ट डेली बेसिस पे आता है उसको रिफर कर लीजिए, बाकी तो जीके के लिए आपके पास ऑलरेडी बुक्स होगी। एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर बुक है तो वो आप रिफर कर लीजिए, वो भी अच्छी है। गुजरात का एक दो क्वेश्चंस ही है लोकल गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ के कौन है, अभी वो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा उसकी बात कर रहा हूँ, तो
तो ऐसा नहीं है कि आपको गुजरात का स्पेशली पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो भी आप उसमें क्लियर कर लेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, अगेन किस तरीके से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो वो जो आपका सीरीज वाला होता है 1 3 5 2 4 6, तो नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, इस तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए जो पेपर है उसमें, मैं फिर से उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आपने स्टेनोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें मैंने शेयर किया है ऑलरेडी, उसमें कर लीजिए। डिक्टेशंस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ स्टेनो चैनल बाय वंशु अडवाणी पे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर अगेन 8 क्वेश्चंस, और वो 8 क्वेश्चंस भी काफ़ी मॉडरेट लेवल के हैं, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस उसमें भी नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट, मैं खुद भी डरता था इसके हाईकोर्ट के प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के रिव्यू नेगेटिव कि बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट, लेकिन लास्ट टाइम हाईकोर्ट ने बहुत ही लिबरल, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बहुत ही लिबरल अपना एग्जाम कर दिया, बी एड द स्किल टेस्ट या बी एड द प्रीलिम्स। हाँ, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को अगेन निकाल दिया, इंटरव्यू डिफिकल्ट था, बहुत लोगों को कम मार्क्स दिए, मेरे फ्रेंड्स भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने बताया कि हमारा इंटरव्यू अच्छा था। इंटरव्यू के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तो बनाऊंगा ही बाद में, उस लेवल की अभी बात करके आपको मुझे डराना नहीं है, बट यस प्रीलिम्स का मैं नहीं समझता हूँ बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत टाइम से लास्ट ईयर इन्होंने रिक्रूटमेंट का ये बेसिक नोटिफिकेशन तो दे दिया था कि जल्दी से आएगी, लेकिन कुछ अप्रूवल्स बाकी थे फाइनेंस डिपार्टमेंट से और लीगल डिपार्टमेंट से, इस वजह से इन लोगों का ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रहा था, जो फाइनली उनको मिल गया, एंड दे हैव पब्लिश दैट 245। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो एट्रिशन रेट होता है ना, एट्रिशन रेट आप समझते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, मतलब जो लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं, स्विच करते हैं, कोई कोर्ट में आया, अब उसको अपने होम टाउन में या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी जॉब मिल गई दूसरी, तो वो जो लोग छोड़ते हैं कोर्ट्स को वो नंबर काफ़ी हाई होता है। इसके वेरियस रीजंस है, कोर्ट में कई बार आपका वर्किंग जो पैटर्न है वो भी हेक्टिक रहता है, कई बार कोर्ट का एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ सूट नहीं करता है बहुत सारे लोगों को, एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रहा है तो लोग स्विच करते हैं। सो यस, ये एट्रिशन रेट हाई है, इसलिए अभी जो स्टेनोग्राफर की स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो काफ़ी कम हो गई है, बहुत सारे लोग जो लास्ट रिक्रूटमेंट में आए थे वो भी छोड़ के चले गए, अभी सचिवालय में जो गुजरात सचिवालय है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ गए, एचओडीज में आ गए, सो दैट्स वाई दे नीड स्टेनोग्राफर्स। मैं नहीं मानता हूँ एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा, सो द ओनली पर्सन स्टॉपिंग यू इज यू, बहुत नेगेटिव नहीं हो जाइए, कैसे होगा क्या होगा, 1 महीना है, 1 महीना भी बहुत होता है, 50 मार्क्स लाने हैं आपको, कोई 75 80 मार्क्स नहीं लाने हैं, 100 में से 50 मार्क्स, बहुत सोचिए मत, पॉजिटिवली अपना अफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए, जो बुक्स है उस वो ही काफ़ी है, और मटेरियल इकट्ठा करना, बुक्स इकट्ठा करना, हाँ ऑनलाइन मटेरियल मेरे पास जो अवेलेबल है पीडीएफ्स वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा स्टेनोग्राम में, लेकिन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ ही ये सब होता जाएगा, जैसे मैंने कहा SSC स्टेनोग्राफर कर रहे हैं तो इंग्लिश, GK, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल मतलब ये रीजनिंग वाला न्यूमेरिकल है तो वो भी आपका आ ही जाता है उसमें, कंप्यूटर आ जाता है, तो मेजोरिटी चीज़ें तो आपकी कवर हो ही गई, बचा आपका सिर्फ गुजराती का, तो वो गुजराती आपको अलग से कवर करना है। कोई स्पेसिफिक डाउट है हर एक सब्जेक्ट को लेके कि इंग्लिश में कैसे करें, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या क्या आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रेपोजिशंस एक्टिव पैसिव ब्लैंक्स रिलेटेड टू बेसिक ग्रामर, वो पेपर आप एक बार देखिए अच्छे से, उसको खुद आंसर प्रैक्टिस कीजिए कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, GK और उसके आंसर्स तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। गुजराती में अगेन आई रिपीटेड, शब्द समूह, विरोधार्थी, समानार्थी, रूढ़ि प्रयोग एंड शिष्ट रूप, वर्ड का जो नॉर्मल रूप होना चाहिए वो, GK एंड करंट अफेयर्स वेरी बेसिक,
न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग वाला जो एबिलिमेंटल एबिलिटी है बेसिक है, कंप्यूटर भी बेसिक है, फुल फॉर्म्स पूछ लिए हैं ऐसे वैसे. सो यस दिस इज इट. कुछ और स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता है कि आपको स्पेशल करने की ज़रूरत है. आप एक बेसिक एग्ज़ाम की तरह इसको अप्रोच कीजिए. लास्ट वाला पेपर जो है उसको देख लीजिए. उसके पहले वाले भी एक दो पेपर्स हैं मेरे पास जो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट होते थे, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से तो अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो वो ईजी होगा. लेकिन वो वाला पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. और कोई क्वेश्चन है प्रीलिम्स के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए. बहुत सारे आपके मैसेजेस आए, सबको मैं रिप्लाई पर्सनली नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऑफिस का काम भी काफ़ी हेक्टिक रहता है. आज तो लकीली इलेक्शन है यहाँ पे, मतलब गुजरात में वोटिंग है. सो आई पुट माई वोट, आई कास्ट माई वोट. आई होप आपके वहाँ पे भी इलेक्शंस अगर हो गए हैं या बाकी है तो आप वोट करेंगे फॉर श्योर. प्रीलिम्स के लिए इतना ही. डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल. जो बुक्स है उसमें से ही जो पेपर आपको मैंने शेयर किया है उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए. आपका आधा टेंशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. स्किल टेस्ट के लिए दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा. इंटरव्यू के लिए भी दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा. डिक्टेशंस डेली प्रैक्टिस करते रहिए. ऐसा मत कीजिए कि डिक्टेशंस लिखना छोड़ दो एक महीने तक. ये एग्ज़ाम है तो मतलब एक महीना अभी सिर्फ इस पे ही ध्यान करना है, प्रीलिम्स पे नहीं. क्योंकि उसके बाद अगेन नेक्स्ट मंथ यू हैव द स्किल टेस्ट. एटलीस्ट 1 घंटा स्किल टेस्ट को आज से लेकर ही देते रहिए. ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया पूरा, नहीं तो फिर वो एंड मोमेंट पे कवर अप करना अगेन डिफिकल्ट हो जाएगा. ये जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स है इसको आप 4 से 5 घंटे डेली देते हैं अगर, तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप अपना स्किल टेस्ट को भी देते रहिए. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.